हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल बास्टर में फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के मॉर्निंग शिफ्ट सोशल साइंस का जो मिड टर्म एग्जाम है उसका कंप्लीट आंसर की आप सभी को बताने वाले। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राजभाषा है। तो भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। आर्टिकल 343 क्लोज ए के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। तो पहले का ए। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध सरदार सरोवर जल संसाधन परियोजना से है। तो इसका सही आंसर है वह ए गुजरात। सही मिलान की पहचान करना है। संघ सूची मुद्रा, संघ सूची शिक्षा, संघ सूची व्यापार, संघ सूची वन। तो कौन सा सही विषय। तो संघ सूची वह मुद्रा, मुद्रा ए इसका सही आंसर है। अगला है किसी कि प्रत्येक परिवार को वर्षा जल संग्रहण का संग्रहण कराना करना चाहिए और किसी अन्य राज्य में प्लान करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी थर्ड का क्या होगा ए। फोर्थ का भी ये है। क्वेश्चन 5। 1956 में कानून बनाकर श्रीलंका में किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। तो वह है बौद्ध धर्म। मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1854। बी गलत मिलान की पहचान करना है। तो साथ आकर संग बनाना ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है इसका सी, यानी 7 का क्या आंसर है। इसमें हमें करना है काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो काल क्रम के साथ कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919। फिर चंपारण की अगर हम बात करें, चंपारण सत्याग्रह 1916 में होता है। बारदोली किसान सत्याग्रह 1928 में हुआ। महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में आए। इस तरह से आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज आपको इसको कवर करना है। सबसे पहले क्या आएगा 4, फिर आपका आएगा 4 के बाद चंपारण सत्याग्रह यानी 2, फिर 1, फिर 3। ठीक है, तो इस तरह से सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कदम बेल्जियम में गृह युद्ध का कारण बन सकता था। तो केंद्र सरकार में डच भाषी लोगों को बहुमत प्रदान करके ये वहाँ पर जो है गृह युद्ध का कारण बन सकता था। सही कदम की पहचान करना है। तो सही कदम की पहचान करना, वियना कांग्रेस का आयोजन 1825 में किया गया, कथन बिल्कुल गलत है। जोसेफ मेसनी का संबंध ब्रिटेन से, कथन भी गलत है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसी क्रांति के साथ हुई, कथन बिल्कुल सही है। तो बी इसका सही आंसर है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रसल्स में। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन का आरंभ सबसे पहले किस राज्य में किया गया, तो है उड़ीसा। सी हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, इसका 13वें का आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 सही मिलान करना है। तो 14 का हम बात करें तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरल में है। सरसिका वन्यजीव विहार पशुघर कहाँ है, राजस्थान में है। मानस टाइगर रिजर्व है असम में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इस तरह से इसका आपको मिलान कर देना था। धार्मिक देश ए में महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य करने के बदले समान वेतन दिया जाता है, बताइए किस प्रकार का उदाहरण है। तो यह है लैंगिक समानता का डी इसका सही आंसर है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। तो 16वें का सही आंसर है मरुस्थलीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, तो बिल्कुल ठीक, कारण और अभिकथन दोनों सही हैं। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया, बिल्कुल सही है। भारत में वन जीव की रक्षा करना का सरकार का कार्य, बिल्कुल गलत है। तो अभिकथन ए सही और कारण आर गलत है। अभिकथन ए सही, कारण आर गलत, यानी सी इसका सही है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर का अनुपात प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कथन और कार दोनों सही, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो बी इसका सही आंसर आएगा। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी,
गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में शहर से गांव का रुख कर रहे थे, तो अभिकथन ए सही है केवल। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया है, भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में समुदाय की भूमिका का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, बगान मजदूरों के लिए स्वराज की क्या अवधारणा थी, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन दो संभावित लक्ष्यों को लिखिए, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या लाभ होता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मैप से क्वेश्चन पूछा गया है, मैप का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, मैप से जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है सबसे पहला क्वेश्चन, उस स्थान की पहचान कीजिए जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर, और उस स्थान की पहचान करनी जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में। इसी प्रकार से और जो क्वेश्चन पूछा गया मैप से संबंधित, चलाल बांध कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो सरदार सरोवर गुजरात में, और नागार्जुन सागर बांध जो है यह आंध्र प्रदेश में। इस तरह से जो है सारे मैप से संबंधित क्वेश्चन आपको करने थे। ये कंप्लीट ऑफिशियल आंसर किया आप सभी की। आई होप आप सभी को पसंद, अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन सही थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।